ऑस्ट्रेलिया के इस मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से आज विक्रांत और मैं श्वेता आपको आज 1992 वर्ल्ड कप की कहानी सुनाएंगे। विक्रांत, एक ऐसा वर्ल्ड कप जो मेरा लीस्ट फेवरेट वर्ल्ड कप है वो नतीजे की वजह से। वो कैसे? पाकिस्तान जीत गया था वर्ल्ड कप। और मोस्ट फेवरेट वर्ल्ड कप है क्योंकि मेरे फेवरेट क्रिकेटर ने इसमें डेब्यू किया था, अजय जडेजा। अजय जडेजा के साथ और भी कई नए खिलाड़ी थे। सचिन तेंदुलकर का पहला वर्ल्ड कप था और सामने ब्रायन लारा भी थे। पहली बार फॉर्मेट बदला गया, राउंड रॉबिन खेला गया, यानी कि जो अब होता है हर टीम के साथ खेलेगी, उस तरह का वर्ल्ड कप हुआ। साउथ अफ्रीका, ये पहली बार उनको वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला 71 के अपार्थेड के बाद, जब उनको बाहर कर दिया गया था, उनकी रीएडमिशन हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था इंडिया में कि शायद भारत को वहां पर रहने का फायदा होगा, लेकिन वही भारत के लिए नुकसान हो गया। और भी चीजें बदली थी, जैसे अभी आपको डकवर्थ लुइस के नियम से बहुत परेशानी होती है, लेकिन डकवर्थ लुइस ने उस नियम को यहाँ पर बदला था जो कि उससे पहले ये रेन रूल हुआ करता था। अब जैसे जैसे हम कहानी सुनाएंगे आपको पता चलते जाएगा कि क्यों वो रेन रूल इतना बुरा था। अब भारत को भी काफी हर्ट किया था उसने। एक ऐसा मैच था जहां पर मतलब 3 ओवर भारत के बैटिंग में कम हुए और रन सिर्फ 1 कम हुआ, और शायद 1 ही रन से भारत हारा भी था उस मैच को। तो कई सारी कहानी है, लेकिन श्वेता, चूंकि एक तरफ भारत की कहानी हमने 1983 बताई, 1987 बताया, तो एक तरफ भारत की कहानी, लेकिन एक और पटकथा इसके साथ साथ चलेगी, वो है पाकिस्तान की कहानी। इमरान खान उनके कप्तान थे और आपको याद होगा कि पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में जब आई तो खुद कप्तान ने कहा ये बड़ी फटीचर टीम है, क्योंकि वकार यूनिस नहीं थे, सईद अनवर नहीं थे, दोनों को चोट लगी थी। और जब उनकी वर्ल्ड कप टीम का ऐलान हो रहा था तो जावेद मियांदाद भी उस टीम में नहीं थे, उनको चोट लगी हुई थी। ये समझिए कि ये वो वर्ल्ड कप था जो अगर नहीं होता तो इमरान खान शायद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आज नहीं होते, जिन्हें कहा गया कि मतलब किसी भी परिस्थिति से अपने देश को निकाल कर जितवा सकते हैं, घबराना नहीं। जीतने का बड़ा फायदा हुआ, लेकिन जीतने का बाद में नुकसान भी हुआ, वो कहानी भी इनको बताएं। तो हम अंदर चलते हैं, अंदर चलते और एक एक मैच की कहानी आपको सुनाते हैं। भारत का पहला मुकाबला मेलबर्न नहीं, पर्थ में था, और पर्थ उस टाइम पे दुनिया का सबसे तेज विकेट था। भारत का पहला मैच था इंग्लैंड के साथ हुआ था, और चूंकि भारत, जैसे मैंने कहा, वहां पर 4.5 महीने से था, तो लग रहा था कि भारत इस मैच को जीत सकता है। अब मैच वो ऐसा था कि इंग्लैंड ने 236 ही रन बनाए, 236 बहुत ज्यादा नहीं थे, बहुत कम भी नहीं थे। और भारत ने जब स्टार्ट किया तो ऐसा लगा कि शायद रन बन जाएंगे, लेकिन रवि शास्त्री ने टेस्ट सीरीज में एक डबल सेंचुरी बनाई थी सिडनी में, और जब वो आखिरी टेस्ट मैच नहीं खेले, उनके नी में, उनके घुटने में दिक्कत आई, वो भारत वापस आए, तो उन्होंने भारत वापस आकर जो 20-25 दिन थे उसमें इलाज कराया। जब इलाज कराया, वापस गए, उन्होंने कहा कि मेरी जो नी है, मेरा जो घुटना है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन क्लियरली वो ठीक ठाक था नहीं, क्योंकि रन तो उन्होंने 50 बनाए लेकिन बड़े स्लो, गेंदें कितनी लगभग इस्तेमाल, बहुत ज्यादा गेंदें खेल गए, और उससे क्या हुआ कि आपके मध्यक्रम पर दबाव बढ़ता ही गया। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, मांजरेकर, अजहरुद्दीन, ये सारे थे। और भारत में दिक्कत ये भी थी कि मोहम्मद अजहरुद्दीन इस वर्ल्ड कप में बिना रनों के आए थे। टेस्ट सीरीज में उनका सिर्फ 100 था, बाकी कभी रन नहीं बनाए। जो ट्राई सीरीज थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज, उसमें उन्होंने रन नहीं बनाए, और कप्तानी का बोझ साफ तौर पर दिख रहा था। सीनियर खिलाड़ियों में वो ऐसा लगता था कि बुझे दबे दबे से हैं, और शायद वो भी इंतजार कर रहे थे कि जो नए खिलाड़ी भारत की टीम में आ रहे हैं वो आएं और एक नए युग का आगाज हो। लेकिन भारत का आगाज वर्ल्ड कप में एक बड़ी हार के साथ हुआ। पर अब हम पैरेलल कहानी आपको सुना रहे हैं, तो उस तरफ है पाकिस्तान की टीम, और पाकिस्तान की टीम आई है वेस्ट इंडीज के सामने उतरी है, पहला ही मैच वेस्ट इंडीज के सामने। और ऐसा नहीं है कि बाकी टीमें उतार चढ़ाव उनका दिखते रहता था, अब यहां पर इनकी टीम में एक नया चेहरा आ चुका था, ब्रायन लारा का। ब्रायन लारा ने पहले मैच में ओपन करते हुए रन बनाए। दरअसल पाकिस्तान में भी जावेद मियांदाद, जैसे मैंने कहा कि उन पर सस्पेंस था, क्या वो वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे वर्ल्ड कप शुरू होने से 2 दिन पहले, और इमरान खान ने, कहते ना कि ही ड्रॉप द बॉम्बशेल, पहले ही दिन उन्होंने कहा कि मैं फिट नहीं हूं और मैं पहला मैच खेलूंगा नहीं। और पहले मैच में कप्तानी जावेद मियांदाद ने की, रन भी बनाए, लेकिन 10 विकेटों से करारी शिकस्त का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा। तो भारत भी हार और वहां पर पाकिस्तान को भी हार। पर अब जिस टीम को हराने पर इंडियन टीम ने अपनी नजर लगाई हुई थी कि श्रीलंका को तो आसानी से हरा कर हम आगे चले जाएंगे, वहां पर एक नया खिलाड़ी आ गया, नहीं श्रीलंका की टीम में नहीं बल्कि आसमान से बरसा, और इस वर्ल्ड कप में बारिश जो था एक बड़ा फैक्टर बनना था। श्वेता, भारत को शायद अगर आप पीछे मुड़ के देखें वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड से भारत को हार जरूर मिली, लेकिन बहुत ज्यादा हताश होने की बात नहीं थी। ज्यादा जो भारत को सेटबैक हुआ वो यहां पर हुआ। मैके, एक छोटा सा
वेन्यू है, वहाँ पर सिर्फ दो गेंदें हुई और वो मैच कॉल ऑफ कर दिया गया, यानी कि भारत और श्रीलंका को पॉइंट स्प्लिट करने पड़े और आगे चलकर इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। जो नुकसान भारत को हो रहा था बारिश होने से, वो फायदा हो रहा था पाकिस्तान को। अब हम पहुंच गए गेम थ्री, और गेम थ्री भारत की थी ऐतिहासिक गाबा के मैदान में, जिसका घमंड हमने अब तो तोड़ा, लेकिन उस वक्त उसका तोड़ नहीं। पर्थ, ब्रिस्बेन, ये सब लगता था आप कैसे जीत सकते हैं उन मैचेस में, और पर्थ में आप एक मुकाबला आपका देख चुके थे हर्ष, अब ब्रिस्बेन वहां पर गाबा, जिसमें जो जब बैठते हैं और जो क्राउड, तो लगता है जैसे कि उनका पूरा शोर आपके ऊपर वो प्रेशर बना रहा है। सही बात है, और ये मैच था ऑस्ट्रेलिया से। अब ऑस्ट्रेलिया का भी क्या था, क्योंकि शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी और भारत ऑस्ट्रेलिया के नीचे लगा हुआ था पूरे सीजन में। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 236 रन बनाए, डीन जोन्स ने 90 रन की वो जबरदस्त पारी खेली। श्वेता, उन्होंने किस युग की बात कर रहे हैं, डीन जोन्स? डीन जोन्स देखिए, बून मार्श और ये इस तरह के खिलाड़ी थे। डीन जोन्स ने 90 रन बनाए, उसके बाद हुआ क्या कि भारत ने रवि शास्त्री अगेन स्लो स्टार्ट, और रवि शास्त्री जब आउट हुए तो भारत का नेट रन रेट थोड़ा इंप्रूव हुआ, मतलब हालात ऐसे हो गए थे। उसके बाद रवि शास्त्री को खिलाया नहीं गया। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ऐसी बैटिंग की श्वेता कि दुनिया कायल हो गई। कप्तान ने 93 रन बनाए, उनके साथ पार्टनरशिप हुई संजय मांजरेकर की जिन्होंने 47 रन बनाए, और एक वक्त तो ऑस्ट्रेलिया टीम के छक्के छूट चुके थे, और फिर वही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जो ताकत है ना, कहीं से एक सेकंड वैसा मिल जाए। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शॉट खेला मिड विकेट पे, एलन बॉर्डर के हाथ में गेंद, और उनके पास सिर्फ एक स्टंप थी टू एम एट, उन्होंने थ्रो मारा, रन आउट। एंड तक किरण मोरे, जब आखिरी ओवर टॉम मूडी का था, उसमें भी उन्होंने दो चौके मारे और लगा भारत जीत जाएगा, लेकिन तीसरा चौका उसी शॉट में खेलते वो आउट हुए। आखिरी गेंद, और ये आखिरी गेंद मैं कम से कम नहीं तो 500 बार सुन चुका हूँ, देख चुका हूँ। आखिरी गेंद जवागल श्रीनाथ बल्लेबाज थे, टॉम मूडी गेंद कर रहे थे, और मुझे याद है कि कमेंटेटर ने कहा कि श्रीनाथ हैजंट हैड अ गुड डे बट ही कैन बिकम अ नेशनल हीरो विद वन सिंगल हिट। उनके साथ थे वेंकटपति राजू। आखिरी गेंद अगर वो चौका मार देते भारत जीतता, उन्होंने शॉट मारा और लगा छक्का हो गया, फिर कमेंटेटर ने कहा नहीं नहीं चौका होगा, स्टीव वॉन ने कैच छोड़ दिया, दो रन भाग लिए और जो तीसरा रन था उस पर वेंकटपति राजू रन आउट हो गए, भारत एक रन से वो मैच हार गया। पर अब यहां से लीजिए पाकिस्तान का जो अगला मैच है, पाकिस्तान को खेलना था इंग्लैंड से, मैदान था एडिलेड ओवल, और वहां पर पाकिस्तान की टीम जब पहुंची, उससे पहले सबको नतीजा पता था कि इंग्लैंड से पार नहीं पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान 74 ऑल आउट हो गया और मुहर लग गई कि अब तो पाकिस्तान 74 ऑल आउट हो गया। बरसात आई और उस वक्त इंग्लैंड का स्कोर था 24 रन एक विकेट के नुकसान पर, बरसात आई और वहां पर पाकिस्तान बच गया, उनको एक पॉइंट मिल गया। लेकिन श्वेता, पाकिस्तान के जो कई खिलाड़ी हैं वो ये कहते हैं कि वो 74 ऑल आउट ने उनकी तकदीर भी बदल दी, उनका देखने का नजरिया बदल दिया, क्योंकि जब मैच खत्म हुआ, मतलब जब वो नो रिजल्ट हुआ, एक पॉइंट मिल गया, तो इमरान खान ने सारी टीम को शाम को अपने कमरे में बुलाया। अब सबको लग रहा है कि भाई कप्तान ने अब आज तो उड़ा देना है। इमरान खान बैठे अपने बेड पे और सारी टीम नीचे बैठी है। इमरान खान ने कहा कि मैंने हिसाब लगा लिया है, और सबको डर लग रहा है कि सबका हिसाब लगा लिया है। तो इमरान ने जो अगली लाइन बोली, उन्होंने कहा मैंने हिसाब लगा लिया है, हम ये वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। सो आप इमेजिन कीजिए उस वक्त पाकिस्तान की वो टीम को ये कहना कि आज हम 74 आउट हुए हैं, लेकिन कप्तान कह रहे हैं हमने वर्ल्ड कप जीत जाना है, वो बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ से एक्चुअली जो जिस तरह की तकदीर उनकी रही इस 74 ऑल आउट होने के बावजूद इंग्लैंड जैसी टीम को हरा देने में, वो तकदीर बहुत अहम, बहुत निर्णायक रही थी इस वर्ल्ड कप के नतीजे में। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, तीन तीन मैच दोनों टीमें खेल चुकी हैं, भारत को जीत नहीं मिली है, एक पॉइंट मिला था वो बरसात का मैच जहां पे जीतना चाहिए था। यहां पर पाकिस्तान तीन मैच खेल चुका था, एक जीत मिल चुकी थी और एक उनको पॉइंट मिला बरसात में, वो जहां उनको हारना था। लेकिन यहां से अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। 25 मार्च फाइनल खेलने अगर मेलबर्न आना था, उसका रास्ता सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के जरिए आता था, क्योंकि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें आमने सामने थी। राइवलरी तो जबरदस्त थी दोनों की, दोनों टीमें जब मैच पर खेलती थी और अजब सा रिश्ता रहता था, लेकिन वर्ल्ड कप में ये दोनों जब आमने सामने हैं तो क्या होगा, ये सबके मन में था। इमरान खान इस मैच में खेले, क्योंकि बीच में वो कई मैचों में खेले नहीं थे, तो पहली बार ऐसा लग रहा था कि आज इमरान खान वर्सेस मोहम्मद अजहरुद्दीन या इमरान खान वर्सेस कपिल देव भी होगा। इमरान खान, वसीम अकरम, आकिब जावेद, जावेद मियादाद नए उनके सलामी बल्लेबाज थे आमिर सुहेल। तो हुआ ये कि मैदान तो बटा हुआ था, सिडनी में आधे हिंदुस्तान के फैंस, आधे पाकिस्तान के फैंस, और शायद उस वक्त आईसीसी वर्ल्ड कप तो नहीं कराता था, बट
जब बाद में आईसीसी ने वर्ल्ड कप कराने शुरू किए तो उन्होंने इंश्योर किया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके लक्षण जो थे उस मैच में दिख गए। अच्छा, भारत ने पहले बैटिंग, अजय जडेजा ने 47 रन बनाए, अजय जडेजा ने ओपन किया, उन्होंने 47 रन बनाए, विनोद कांबली भी इस मैच में खेले, उन्होंने भी एक छोटी सी पारी खेली, लेकिन भारत ने बनाए 216 रन। तो हुआ ये कि भारत ने शुरुआत अच्छी की, कपिल देव ने विकेट भी ले ली, लेकिन एक पार्टनरशिप फंस गई। अब वो पार्टनरशिप थी आमिर सुहेल और जावेद मियांदाद की, और दर्शकों को याद होगा इस दौरान एक बड़ा दिलचस्प वाक्या भी हुआ था, जहां पर तेंदुलकर की गेंद पर जावेद मियांदाद और किरण मोरे में कहा सुनी हुई, बल्ला पकड़कर उछल रहे थे जावेद मियांदाद, लेकिन वो साफ था कि मियांदाद इज ट्राइंग टू गेट इनटू योर स्किन्स जिसे कहते हैं। लेकिन इस वक्त भारत उस दबाव में नहीं आया, दबाव पाकिस्तान पर था, और जावेद मियांदाद ने रन तो बनाए लेकिन रन बनाए स्लो, और भारत ने इस मैच को जीत कर, अब एक तरह से आपकी पहली जीत थी, और जैसे मैंने कहा इस जीत के साथ ही ऐसा लग रहा था कि भारत को जो मोमेंटम चाहिए वो मिल जाएगा, क्योंकि को होस्ट थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो अब इंडिया को अपने आगे के मैचेस खेलने के लिए, तीन मैचेस खेलने के लिए अब न्यूजीलैंड जाना था। न्यूजीलैंड वो गए भी, पहला मुकाबला जिम्बाब्वे से था, यानी ऐसी टीम जिसे आप कमजोर आंक रहे थे लेकिन आप वहां से पॉइंट्स लेना चाह रहे थे आगे के लिए, और जिम्बाब्वे को हराया विक्रांत, उसमें तेंदुलकर ने 81 रन बनाए, और उसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि न्यूजीलैंड को देखते हुए, मार्क ग्रेटबैच को ओपन करते देखते हुए, कपिल देव को मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ओपन कराने के लिए भेजा, क्योंकि ये बरसात वाला मैच था, छोटा मैच था, और कपिल देव ने ओपन की बैटिंग, भारत ये मैच जीत गया। उधर पाकिस्तान का मुकाबला है साउथ अफ्रीका के साथ, और पाकिस्तान उस मुकाबले में हारा, लेकिन उस मैच में दुनिया ने पहली बार कुछ ऐसा देखा जिसे कहते हैं ना द फ्लाइंग बर्ड, जॉन्टी रोड्स ने इंजमाम को वो रनआउट किया था, उड़ते हुए गए थे और उसके बाद फील्डिंग वहां से बदली, कमाल की, मतलब हमारे पास भी उस समय मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा थे, जॉन्टी रोड्स का कोई मुकाबला ही नहीं था, जॉन्टी रोड्स का मुकाबला नहीं था, और वो आखिरी जो 5 मीटर के करीब फासला विकेट के और उनके दरमियान रह गया, वो उड़ के गए, उन्होंने आउट कर दिया। अब पाकिस्तान का वर्ल्ड कप तो खत्म हो चुका है श्वेता, यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बचा ही नहीं है, और इंडिया दो बैक टू बैक मैचेस, इंडिया का चांस आ गया है, लेकिन इंडिया का अगला मुकाबला वो मुकाबला जिसने शायद भारत को ये दिखा दिया कि नहीं, वो वर्ल्ड कप जीतने के काबिल नहीं है, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक जाने के काबिल नहीं है, वो मैच था वेस्ट इंडीज के साथ, भारत उस मैच में हार गया और ये एक बड़ी शिकस्त थी, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान के लिए करो या मरो। अब जब पाकिस्तान की टीम करो या मरो जैसे हालात में पहुंच जाती है, तो फिर वो उस टीम से अगर आप देखें तो उनसे जीत की ही उम्मीद की जाती थी, लेकिन पाकिस्तान सुबह उठा, पर्थ में उनका मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया से, एक बहुत मुश्किल, मतलब दोनों चीजें मुश्किल में, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, जो टीम उस मैच में हारती वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती, और ज्यादा लोग ये सोच रहे थे कि अब ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा, लेकिन पाकिस्तान की ताकत हमेशा क्या थी कि वो टीम नीचे से ऊपर आती थी, और जब जब पाकिस्तान की टीम नीचे से ऊपर आती थी वो खतरनाक होती थी। उस मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त, और शायद पहली बार, इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने अपनी सारी टीम को बुलाया और सारी टीम से जैसे कहते ना कि एक ओथ ली कि अब हम जीत के लिए खेलेंगे, अब हम अपनी टीम के लिए खेलेंगे, क्योंकि शायद कुछ खिलाड़ियों पर उनको शक था, और इस मैच को जीत कर ये लग रहा था कि अब पाकिस्तान को रोकना इतना आसान नहीं होगा। उधर भारत हार रहा था, उधर पाकिस्तान जीत रहा था, उस टाइम पे भारत की टीम बिखर चुकी थी, और ऐसी बिखरी कि भारत न्यूजीलैंड से भी हारा और आखिरी मैच भारत साउथ अफ्रीका से भी हार गया। इधर पाकिस्तान के दो मैचेस थे, उनमें से एक मैच था श्रीलंका से, वो तो वो जीत गया, अब वो पहुंचे न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च, जहां उनका मुकाबला था न्यूजीलैंड के साथ, और ये मस्ट विन मैच था। ये मैच भी अगर आप याद करें, पाकिस्तान जीत गया और उसके बाद पाकिस्तान पहुंच गया सेमीफाइनल में, लेकिन क्राइस्टचर्च से जब न्यूजीलैंड को आखिरी लीग मैच में पाकिस्तान ने हराया, उनको फ्लाइट लेकर जाना था ऑकलैंड, जहां पर उनका सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ ही था। पाकिस्तान चौथा फिनिश किया, न्यूजीलैंड नंबर एक फिनिश किया, तो एक और चार का मुकाबला, और इस दरमियान आपने पहले भी ये कहानी सुनी होगी आज तक पर, इंजमामुल हक, द यंग इंजमामुल हक, उन्होंने उस मैच में 5 रन बनाए थे और डैनी मॉरिसन को उन्होंने एक चौका मारा और एक गंदा शॉट खेलकर आउट हो गए। तो कहते जी जब हम फ्लाइट में बैठे क्राइस्टचर्च से ऑकलैंड जा रहे थे तो डरते डरते मैंने अपना बोर्डिंग कार्ड देखा और देखा कि ये तो इमरान खान के साथ वाली सीट है। इमरान खान ने एविएटर्स लगाए और बाहर ऐसे वो देख रहे हैं और उनसे डर लगता था सबको। तो कहते मैंने गुड मॉर्निंग कैप्टन जी करके उनके साथ बैठ गया। एडिसन की मैं पूरी फ्लाइट में, जो आधे पौने घंटे की फ्लाइट थी, शिवरिंग कि यार अब क्या होगा, अब गाली पड़ेगी। तो इमरान ने अचानक से उनको कहा, ओ यार इंजी। तो इंजमाम को लगा कि अब मुझे डांट पड़ेगी, तो उन्होंने कहा ये जो तूने शॉट खेली है ना, तो ही थॉट जो आउट होने वाली शॉट थी, बट ही वाज टॉकिंग कि जो उन्होंने चौका मारा था,
ये शॉट को खेल ही नहीं सकता, तू तो यार क्या प्लेयर है। इस उसके बाद वो बाहर देखना शुरू किया, मैंने जहाज में कहते हैं उसके बाद लैंड हुआ, मुझे ये यकीन नहीं हुआ कि ये मेरे बारे में ऐसी बात कर गए। कभी कभी विक्रांत जो अच्छा कैप्टन अगर कहा जाता है तो वही उसे मालूम है तारीफ कहां पर करनी है, बुराई कहां पर करनी है, किस चीज से मोटिवेट होगा। अब ये सेमीफाइनल है न्यूजीलैंड के खिलाफ, मार्टिन क्रो का वर्ल्ड कप चल रहा है श्वेता, मार्टिन क्रो ने 90 रन भी बना दिए, न्यूजीलैंड ने ठीक ठाक रन भी बना दिए और पाकिस्तान एक वक्त पर इस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से बाहर होता दिख रहा है। उनको शायद 14 ओवर थे, 126 रन बनाए थे उस टाइम पे, 14 ओवर में 126 रन बनते नहीं थे और फिर वही खिलाड़ी जिसका जिक्र हम कर रहे थे इंजमाम उल हक वहां पर पहुंचे। इंजमाम ने उसके बाद वो जो पारी खेली वो आउट जरूर हो गए, लेकिन उनके साथ जावेद मियादाद खेल रहे थे, तो जब वो इंजमाम बैटिंग करने जा रहे थे तो इमरान आउट होके आ रहे थे, तो इमरान ने इंजमाम को कहा अपना नेचुरल गेम खेलना, मतलब उड़ा के खेलना। तो इंजमाम जब क्रीज पर पहुंचे गार्ड लेने लगे, उनके साथ जावेद मियादाद खेल रहे थे, तो जावेद मियादाद ने इंजमाम को ये कहा ऊपर मत खेलना, शॉट नहीं मारनी है, आराम से खेलना है। लेकिन इंजमाम का उस दिन शॉट लगते रहे और बाद में फिर भी जब एक छोटी सी उम्मीद न्यूजीलैंड के लिए बनी तो मोइन खान ने जाके वो छोटी सी पारी खेली और न्यूजीलैंड को हरा कर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है, यानी कि इस मैदान की वो अपनी रिजर्वेशन कर चुका है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, क्योंकि वो टीम जिससे किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो फाइनल में पहुंचेगा और ये पाकिस्तान का मोमेंट होने वाला था। पीक आपको सही वक्त पर करना होता है और जो टीम वुंडेड टाइगर होगी श्वेता वो ज्यादा खतरनाक होगी क्योंकि वो नीचे से ऊपर आई है। ये किसी ने सोचा नहीं था कि एक एशियन टीम वहां पर पहुंचेगी फाइनल में, लेकिन दूसरी टीम, क्योंकि दूसरा सेमीफाइनल सिडनी में खेला जा रहा था, वो मैच था इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। अच्छा, उस मैच में जो आपने रेन रूल की बात की थी, दुनिया ने पहली बार देखा कि जब एक वक्त पर साउथ अफ्रीका जो चेज कर रहा था, आज की तारीख में बरसात के मैच में आप चेज करते हैं आपको फायदा होता है, लेकिन उस जमाने में चेज करना बरसात के मैच में नुकसान होता था, क्योंकि रूल ऐसा था कि आपके लीस्ट प्रोडक्टिव ओवर कटते थे, यानी कि अगर आपने 3 ओवर मेडन खेले हैं और 3 ओवर कटने हैं तो रन कोई नहीं कटेगा लेकिन 3 ओवर कम हो जाएंगे। तो एक वक्त जब बरसात आई, उस वक्त साउथ अफ्रीका मैच में था, 13 गेंदें थी, 22 रन, बरसात आई, जैसे ही वो मैदान पर उनके बैट्समैन आए तो स्कोरबोर्ड पर आया 22 रन, यानी कि रन उतने ही, 7 गेंदें। उसके 5 सेकंड बाद कंप्यूटर ने फिर चेंज किया और आया 22 रन, 1 गेंद। मतलब सिर्फ रजनीकांत वहां से साउथ अफ्रीका को मैच जिता सकते थे लेकिन उनकी टीम में थे नहीं, तो अब एक गेंद पर कोई टीम 22 रन बना नहीं सकती है। साउथ अफ्रीका जो कि बहुत शानदार खेलते हुए यहां तक पहुंची थी अपने पहले ही वर्ल्ड कप में आपाधीन के बाद, बिल्कुल वो बाहर हो गई। टॉस से कुछ देर पहले ड्रेसिंग रूम में इमरान खान ने अपनी एक पुरानी टी शर्ट निकाली, सफेद रंग की गोल गले की टी शर्ट थी और उन्होंने उस टी शर्ट को पहना, वो टी शर्ट उन्होंने 1987 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले भी पहनी थी और उस टी शर्ट पर एक टाइगर बना हुआ था और वो मतलब उस टाइम टीम जर्सी में नहीं आते थे टॉस के लिए। टॉस में आपको टीम जर्सी में नहीं आना है, गूच टीम जर्सी में आए, वो इंग्लैंड की जर्सी में आए और गूच, इमरान की उम्र तकरीबन एक थी 39 साल और इमरान खान ने वो टी शर्ट पहनी जिसमें टाइगर बना हुआ, वाउंडेड टाइगर, और टॉस के वक्त इमरान खान ने टी शर्ट आगे करके गूच की नजरों में नजर मिलाई और ग्राम गूच वो कहते हैं ना कि मतलब थके हुए नजर आए, और जैसे ही टॉस हुआ, इन चैपल ने टॉस किया तो उन्होंने टी शर्ट के बारे में पूछा, तो इमरान ने कहा जी ऐसा है हम जीते हारे मैंने अपनी टीम को कह दिया कोई परवाह नहीं है लेकिन खेलना टाइगर की तरह है। अब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और जाहिर तौर पर उनकी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन इमरान नंबर 3 गए और सबसे ज़्यादा 71 रन भी इमरान ने बनाए, स्लो रन बनाए उन्होंने, करते 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 एक स्टेज ऐसी आ गई जहाँ पर वसीम अकरम, जिन्होंने पूरी टूर्नामेंट में बैट के साथ कुछ नहीं किया था, उन्होंने वो पारी खेली तेज तर्रार और पाकिस्तान ने श्वेता बोर्ड पर उतने रन लगा दिए जहां पर इंग्लैंड को उस मैच जीतने के लिए काफी कुछ करना था। पाकिस्तान ने इस मैच में रन बनाए 249, यानी 250 का टारगेट इंग्लैंड के सामने, और इंग्लैंड ने तो रन बनाए हुए थे पूरे टूर्नामेंट में विक्रांत, और 250 रन श्वेता उस टाइम पे कम नहीं थे, बहुत थे। लेकिन इंग्लैंड के पास उस टाइम पे वनडे क्रिकेट के लिए बैटिंग बड़ी अच्छी थी, इन बोथम खुद ओपन करने आते थे और उस मैच में लेकिन पाकिस्तान ने शुरुआत बड़ी अच्छी की, विकेटें गिरती रहीं लेकिन एक स्टेज ऐसी आई जहां पर नील फेयर ब्रदर खड़े हो गए और इस वक्त 33 ओवर का खेल हो चुका था और चूंकि आप ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान इमरान खान ने वसीम अकरम को कहा ऐसा है आपको एलन लैम्ब को इस तरह का बॉल डालना है कि आप आइए वाइड ऑफ द क्रीज और अंदर की बजाय बाहर करना है। वसीम अकरम ने उस ओवर में 2 ऐसी गेंदें बैक टू बैक प्रोड्यूस की
जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिला दिया। पहले उन्होंने एलन लैम, उसके बाद उन्होंने क्रिस लुइस, इन दोनों को विकेट ली, उसके बाद फिर कुछ चारों तरफ कोई डाउट था ही नहीं, पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन हो गया। और आप उन तस्वीरों को याद कीजिए जब इमरान खान ने वर्ल्ड कप उठाया। दरअसल वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमरान खान पर इतना जुनून सवार था अपने अस्पताल का कि उन्होंने जो ऐसी स्पीच दी जहां पर उनकी टीम ने वर्ल्ड कप खत्म होने के एक घंटे बाद बगावत कर दी। इमरान ने जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद स्पीच दी, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को श्रेय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मेरा सपना था, मैं अस्पताल बनाना चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड कप जीतना चाहता था। और खिलाड़ी जो नीचे थे वो हैरान थे, और खिलाड़ियों को ये भी लगा कि यार ये वर्ल्ड कप की सारी इनामी राशि अगर वर्ल्ड कप में डाल देंगे, जीतने अपने अस्पताल में डाल देंगे तो हमारा क्या होगा। तो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप लेकर जब उड़ी है, सिंगापुर में इनका ट्रांजिट हुआ है और वहाँ पर इमरान के खिलाफ बगावत हो चुकी। चलिए 1992 की ये पूरी कहानी आपने सुनी है, क्योंकि अब जब अगला वर्ल्ड कप होगा तो उसकी मेजबानी करेगा पाकिस्तान और साथ में हिंदुस्तान, तो उसकी कहानी श्रीलंका भी, उसकी कहानी हम अगले हफ्ते आपको सुनाएंगे। अभी इजाजत दीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।